हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ये स्वादिष्ट नाश्ता। ये बच्चों को तो पसंद आने वाला है, ये आपको भी बहुत ही पसंद आएगा। इसमें ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी और ये बहुत जल्दी बन जाता है फ्रेंड्स, और ये स्वादिष्ट तो बहुत ही लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको हम बनाना। यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया है, एक कप हमने यहाँ पर सूजी ली है, थोड़ा सा यहाँ पर हमने नमक लिया है, थोड़ा सा यहाँ पर हम धनिया लेंगे, कुछ धनिया हम बाद में भी यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हमने एक कप दही लिया, दही को हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अगर आप इसे ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो इसी क्वांटिटी को आप डबल करेंगे तो आपके ये एक्स्ट्रा बन जाएंगे फ्रेंड। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा दही डाला, एक कप दही हमारा इसके अंदर यूज़ हो गया। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसे हम ढककर रख देंगे सूजी फूलने तक। अब देखिए, यहाँ पर हमने चार आलू लिए हैं, मिर्च लिए है, शिमला मिर्च, गाजर, और यहाँ पर प्याज को बारीक कट कर लिया, टमाटो केचप लिया है। यहाँ पर आलू को हम कट कर लेंगे। पैन हमने यहाँ पर गरम कर लिया, हाई फ्लेम पे हमने गैस को रखा है। यहाँ पर हमने 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा हींग लेंगे, थोड़ा सा जीरा लेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम प्याज ऐड करेंगे इसमें और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। हरी मिर्च, इसे भी अच्छी तरीके से, शिमला मिर्च और गाजर। ये देखिए, इन सभी को मैंने बारीक कट किया है। इसी तरीके से आप कट करेंगे या फिर आप कद्दूकस भी कर सकते हैं। नमक, गरम मसाला और ये बचा हुआ धनिया हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर टमाटो केचप डालेंगे और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे तब तक पकाना है तब तक इसका मॉइस्चर निकल ना जाए। इसे हमने सूखा सूखा ही बनाना है। यहाँ पर हमने आलू भी ऐड कर दिए हैं और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि अच्छी तरीके से आलू पर कोटिंग हो जाए। अब इसे हम ठंडा कर देंगे, गैस को हम ऑफ कर देंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, यहाँ पर ये ठंडा हो चुका है। अब ये यहाँ पर हम कढ़ाई लेंगे, एक ग्लास इसके अंदर हम पानी डालेंगे और इसे स्टीम होने तक इसे ऐसे ही रखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर ये ठंडा हो चुका है। अब हम इस तरीके से इसकी टिक्की बना लेंगे। साइज़ छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये देखिए, इन सभी की इसी तरीके से टिक्की बनाकर इसे हम रेडी कर लेंगे। ये देखिए, अब ये हमारा बैटर ये कुछ गाढ़ा हो गया है। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा, आप इसके अंदर दही भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, थोड़ा पानी हम और डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। 1 मिनट तक आपने इसे कंटिन्यू चलाना है, इससे हमारा बैटर ये हल्का हो जाएगा फ्रेंड्स। ये देखिए, हमारा बैटर ना ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ही ज़्यादा मोटा होना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पर हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम 2 कटोरियाँ लेंगे, कोई भी साइज़ आप ले सकते हैं इसका। थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इसे अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेंगे। अब हम बैटर को डालेंगे पहले और इसे हम फैला लेंगे। ऐसे ही दूसरी कटोरी में भी बैटर डालेंगे, इसे भी अच्छी तरीके से फैला लेंगे। ये देखिए, अब जो हमने टिक्की बनाई है ये इसके ऊपर हमने सेंटर में ऐसे रखनी है। अब इसके ऊपर हम फिर से बैटर डालेंगे और इसे कवर कर देंगे। ये देखिए, ये देखिए, अच्छी तरीके से आप इसे फैला लें। और इसे टैप करेंगे ताकि ये सेट हो जाए। ये देखिए, यहाँ पर हमारा ये पानी भी गर्म हो गया, स्टीम बन चुकी है। यहाँ पर स्टैंड लेंगे, स्टैंड को यहाँ पर उल्टा रखा, यहाँ पर 2 कटोरियाँ रखी। आप 4 कटोरियाँ भी इसके अंदर रख सकते हैं अपने बर्तन के हिसाब से। अब इसे हम ढक कर रख देंगे, अब ये चेक करेंगे। ये देखिए, टूथपिक से आप इसे चेक कर सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल क्लियर है। ऐसे ही हम चाकू से भी इसे कर सकते हैं। ये देखिए,
ये देखिए चाकू पर बिल्कुल भी नहीं लगा, तो इसका मतलब ये हमारे सभी रेडी हो चुके हैं फ्रेंड्स। अब इसे हम निकाल देंगे, बिल्कुल ठंडा होने पर अब इसे हम निकालेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये ठंडे हो चुके हैं। आप पहले साइड में से चाकू से इस तरीके से आप इसे निकालेंगे। ये देखिए अगर गर्म होगा तो ये टूट सकते हैं, इसलिए थोड़ा ठंडा हो जाए तभी आप इसको निकालें फ्रेंड्स। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप इसके नीचे कटोरियों के नीचे गीला कपड़ा रखेंगे, तो गीला कपड़ा रखने से क्या होगा कि ये कटोरियाँ हमारी ठंडी हो जाएंगी, अंदर से ये ठंडा हो जाएगा, तो इसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये बनकर रेडी हो चुके हैं फ्रेंड्स, और इसे अब हम कट करेंगे। ये आसानी से कट भी हो जाते हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। एक बार फ्रेंड्स ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए, और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें फ्रेंड्स। ये देखिए झटपट बनने वाला नाश्ता। और फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।